अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल जनाब, कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आई होप यू ऑल आर फाइन। सी यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेरी नाइस। तो भाई आज कल हम बड़े मज़े की क्रिएटिव राइटिंग पे वर्क कर रहे हैं। कल हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी और हमने उसके अराउंड कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, ड्राफ्टिंग का वर्क भी कर लिया था। आज क्या करेंगे? आज हम उन सेंटेंसेस की सीक्वेंसिंग करेंगे, यानी तमाम सेंटेंसेस को सीक्वेंस वाइज अपनी कॉपीज में लिखेंगे और उसे पब्लिश करेंगे अपनी टीचर्स को। ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? ओके, सो टेक आउट योर कॉपीज अलॉन्ग विद योर स्टेशनरी आइटम्स। वेरी गुड, नाउ वी हैव सेंटेंस नंबर वन। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन 10th ज़िल हज, यानी हम ईद उल अज़हा कब सेलिब्रेट करते हैं? 10th ज़िल हज को। सेकेंड सेंटेंस है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फॉर अल्लाह। ये हम उस वाक़े की याद में मनाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम भी उस वाक़े की याद में अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, मामा ब्रॉट न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर अस। मामा उस दिन के लिए हमारे लिए क्या लेकर आती हैं? नए कपड़े लेकर आती हैं, न्यू शूज़ वग़ैरह लेकर आती हैं, है ना? नंबर फोर, बाबा एंड भैया वेंट टू मंडी टू परचेज एनिमल फॉर कुर्बानी। बाबा और भैया कहाँ जाते हैं? मंडी जाते हैं और एनिमल परचेज करके लाते हैं ताकि हम भी कुर्बानी कर सकें। वी ब्रिंग गोट अ वीक बिफोर ईद, हमने पहले एक हफ्ता पहले ईद से क्या लाया था? गोट लाए थे। द काउ इज़ ब्रॉट टू टू थ्री डेज बिफोर ईद, और काउ लेकर आए थे ईद से दो से तीन दिन पहले। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, ऑन ईद डे भैया टेक अस टू डिफरेंट प्लेसेस टू सी कुर्बानी। भैया हमें कहाँ लेकर गए थे? डिफरेंट प्लेसेस पर जहाँ जहाँ पर कुर्बानी हो रही थी, तो हम देख रहे थे कुर्बानी होते हुए। ठीक है, ऑन ईद डे देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लड एंड मीट विच डज नॉट मेक मी फील गुड। अब उस दिन ईद पर क्या होता है? हर जगह भाई कुर्बानी होती है, तो जानवरों की कुर्बानी का मीट होता है, यानी गोश्त आपको नज़र आता है हर जगह, और ब्लड नज़र आता है ना? ऐसे ही होता है, तो हर जगह पर यही चीज़ थी, तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, आई गो विद बाबा टू डिस्ट्रीब्यूट द मीट। जब हमारी कुर्बानी हो जाती है, हमारा एनिमल कट जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? अपने बाबा के साथ जाते हैं और मीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किन के दरमियान? अपने रिलेटिव्स के दरमियान। इजंट इट? यस। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन द आफ्टरनून वी गो टू पप्पोज होम एंड इन द इवनिंग वी आर इन्वाइटेड टू नानीज़ होम। यानी कि दोपहर में हम अपनी फुप्पो के घर इनवाइटेड होते हैं और शाम में यानी रात के डिनर के लिए हम अपनी नानी जान के घर पे इनवाइटेड होते हैं। इजंट इट? यस। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, अ गेट टुगेदर इज अरेंज्ड एट अवर होम ऑन द सेकेंड डे ऑफ ईद। यानी एक गेट टुगेदर होता है हमारे घर पर, और किस दिन होता है? सेकेंड डे ऑफ ईद को। और इसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। यस, नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, इट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी एंड सैड बोथ टू मीट एवरीवन ऑन ईद एंड टू मिस माय एनिमल्स ऑफ कुर्बानी। यानी कि उस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे होते हैं, मगर उदास भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम ना हमारा जो
एनिमल होता है जो हम कुर्बानी के लिए लाए थे वो हम कुर्बान कर चुके होते हैं। और आपको पता है थोड़ी दिनों में अब हमें अपने एनिमल से कितनी मोहब्बत हो जाती है, तमाम बच्चों को वो नहीं चाहते कि कुर्बानी हो, मगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हमें इस हुक्म को मानना पड़ता है और अपना पसंदीदा एनिमल सेक्रीफाइस के लिए देना पड़ता है। तो जनाब ये थी हमारी सीक्वेंसिंग, हमने तमाम सेंटेंसेस को अब सीक्वेंस वाइज लिख लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने अभी वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और तमाम सेंटेंसेस अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और टीचर को आपने एज एन असाइनमेंट के तौर पर इसे पब्लिश करवाना है, चेक करवाना है जब आपको कॉल करेंगी। और क्या करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।